बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ओमर फ्रॉम कार मास्टर। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चेरी कंपनी के बारे में। और ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली आ रही है, कंपनी ने अनाउंस भी कर दिया है कंपनी की कौन कौन सी गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ रही हैं। तमाम डिटेल्स हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो होंडा DR-V वाली गाड़ियाँ लेने वाले हैं, ताकि पहली गाड़ी उनकी जो पाकिस्तान के अंदर आएगी वो होगी चेरी टिगो 8, जो कि एक SUV कार है और पाकिस्तान में ये गाड़ी होंडा BRV जैसी गाड़ी के साथ कम्पीट करेगी। रिसेंटली आपको हमने बताया था कि चेरी कंपनी पाकिस्तान के अंदर आ रही है और फाइनली चेरी कंपनी ने डिसीजन ले लिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली आ रहे हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर इस चीज़ को अनाउंस भी किया है। गंदारा निसान लिमिटेड के साथ वो कोलैबोरेशन करके पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ कंपनी अपनी गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च करेगी और कंपनी की जो पहली गाड़ी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की जाएगी वो होगी चेरी टिगो 8, जो कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन देगी। अगर इसकी क्वालिटी और प्राइस पे कुछ कम रखी गई तब ही ये बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन देने वाली है। वैसे भी चेरी कंपनी चाइना का एक माना ताना ब्रांड है, वहाँ पर यह काफ़ी ज़्यादा चलती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड ने तो चेरी QQ को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया है, तो यूनाइटेड ने चेरी QQ की पुरानी जनरेशन को पाकिस्तान में लॉन्च किया है। नई जनरेशन अगर पाकिस्तान के अंदर आएगी चेरी QQ की, तो वो ये कंपनी लेके आएगी। 3 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में ये कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और दूसरी तमाम गाड़ियाँ ले आएगी और सारा का सारा प्लान जो है वो रिवील कर दिया गया है। और पाकिस्तान के अंदर इनकी $2.4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो कि की जाएगी। और गंदारा निसान लिमिटेड के साथ मिलकर ही ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अब देखते हैं कि हमें इस गाड़ी के अंदर कौन से अच्छे फीचर्स दिए जाते हैं। अभी तक कंपनी ने कोई भी ऑफिशियल प्राइस इस गाड़ी की या इस गाड़ी की जो भी फीचर्स होंगे वो हमें नहीं बताए, उनको रिवील नहीं किया। वो जैसे ही रिवील किए जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि अगले मंथ के एंड तक ये कंपनी पाकिस्तान में अपनी नई गाड़ी को लॉन्च कर सकती है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान में इन गाड़ियों के लिए कैसा रिस्पॉन्स रहता है। लोग तो अभी भी Big 3 की दौड़ में ही लगे हैं, सुजुकी, होंडा और टोयोटा ही लोगों को नज़र आ रही है। दूसरी गाड़ियाँ जो न्यू कंपिटिटर्स आ रहे हैं वो लोग उनकी तरफ कम ही जा रहे हैं। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी है ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चेरी की जो बाकी गाड़ियाँ हैचबैक, सेडान्स और SUVs हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हाजिर हूँ एक बेहतर अच्छी वीडियो के साथ। दिस इज़ मी ओमर साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।